हम देखेंगे इंपॉर्टेंट कमिटीज़ और उनके रिकमेंडेशंस। तो सबसे पहले मैं ये बता दूँ इनको यूज़ कैसे करना है, ठीक है। कमिटीज़ का काम क्या होता है, जब भी तुम आंसर लिखोगे, दो पेज का आंसर होगा, तीन पेज का आंसर होगा, लास्ट में अगर कमिटीज़ के दो या तीन वर्ड के लाइन के रिकमेंडेशन लिख देंगे ना, तो इम्पैक्ट अलग ही पड़ता है। पर इशू ये होता है कि जब हमारे पास टाइम कम होता है तो हम बहुत सारी कमिटीज़ के और उनके रिकमेंडेशंस याद नहीं कर पाते हैं। पर सोल्यूशन ये है ना कि याद करना भी नहीं है, क्यों करना है, इतनी सारी कमिटीज़ है, इतने सारे रिकमेंडेशंस हैं कि सारे कमिटी और रिकमेंडेशन ही याद करते बैठेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इससे अच्छी बात यह है कि हम सारे कमिटीज़ के नाम याद कर ले, उनके मेन एक दो रिकमेंडेशंस याद कर ले, तीसरी चौथी रिकमेंडेशन अपने मन से फेंक दे। क्योंकि मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, रिकमेंडेशन ऐसी होती है 150, 200, 300 पेजेस की रिकमेंडेशन भर भर के देते हैं वो लोग। अब उस रिकमेंडेशंस में से उसका एग्जामिनर का ये खोजना कि ये रिकमेंडेशन उसमें दी थी कि नहीं दी थी, और तुम जो रिकमेंडेशन दोगे वो जनरलाइज रिकमेंडेशन होगी, राइट। जनरलाइज रिकमेंडेशन तो उस कमिटी ने दी ही होगी एग्जैक्टली, ठीक है। तो बेनिफिट ऑफ डाउट किसको मिलेगा, तुम्हें, ठीक है। तो इस कमिटी का नाम यूज़ करना है बस, बाकी बातें एक दो बातें याद रखनी इंपॉर्टेंट वाली, और बाकी चीज़ें अपनी लिखनी है। और एक दो बातें जो इंपॉर्टेंट लिखोगे, इससे क्या होगा ना, ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा कि हाँ भाई ये बातें तो उसमें लिखी हुई थी, बाकी की दो का मुझे कन्फर्म नहीं, पर ठीक है दो बात सही लिखा है तो बाकी दो भी सही लिखा होगा, क्योंकि कमेटी का नाम भी इसने सही लिखा हुआ है। तो ये बात है। तो कमिटीज़ और इनके रिकमेंडेशन देखते हैं। सबसे पहले इंद्रजीत गुप्ता कमेटी, जब भी इलेक्शन के बारे में कुछ भी आए तो इनका नाम डाल देना। इन्होंने क्या बोला था, स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन 50% सेंटर देगा, 50% स्टेट देगा। अभी वो इलेक्शन में इतने सारे बहुत सारे करप्शन होता है, फिर उसके बाद पार्टी अदल बदल कर लेते हैं, सब पैसों के बलबूते पे होता है ना। अगर पैसे नहीं लगेंगे पार्टी को कैंपेनिंग के लिए तो फिर मतलब क्या ही कर लेंगे वो लोग। तो इसने कहा था स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन होना चाहिए। फिर उसके बाद मलिमत कमेटी, मलिमत कमेटी का क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म सिस्टम में रिफॉर्म चाहिए होगा, तो मलिमत कमेटी का नाम डालना। फिर उसके बाद रिकमेंडेशन अपनी देना कि जेल को सुधारना चाहिए हमको सबसे पहले, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम फास्ट करना चाहिए, फिर टेक्नोलॉजी लानी चाहिए हमको, इन्वेस्टिगेशन फास्ट करना चाहिए, फॉरेंसिक साइंटिस्ट फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में और जो भी रिफॉर्म तुम सोच सकते हो ना, वो उसने दिया ही होगा, ठीक है। ये दो तीन रिकमेंडेशन अगर डाल दोगे अच्छा रहेगा। विवेक देबरॉय कमेटी, इंडियन रेलवेज की बात जब भी आए रिस्ट्रक्चरिंग के लिए, बेटर बनाने के लिए, इन्होंने कहा था कि प्राइवेटाइजेशन करो, एनकरेज प्राइवेटाइजेशन और नॉन कोर एक्टिविटीज़ में प्राइवेट को लेके आओ। फिर काका केलकर कमेटी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को एनहांस करो, कहा था कि जब भी हमारे प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, इसकी बात चल रही, इकोनॉमी बढ़ाने की बात चल रही, तो काका केलकर कमेटी का नाम आ जाएगा कि भाई पीपीपी लाने की बात कर रहे थे, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन कैपेसिटी बिल्डिंग, ये तीन चीज़ को इंटीग्रेट करने की बात कर रहे थे, ठीक है। और एक केलकर कमेटी टैक्स रिफॉर्म के लिए भी बनी हुई थी, तो टैक्स रिफॉर्म के बारे में कुछ भी बोलना तो एक केलकर कमेटी और है। और अहलूवालिया कमेटी, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रू ई गवर्नेंस, तो अभी अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर अर्बनाइजेशन की बात आई तो अहलूवालिया कमेटी। फिर उसके बाद शेखातकर कमेटी, डीबी शेखातकर कमेटी, नरेश चंद्र कमेटी, जब भी मिलिट्री रिफॉर्म की बात आई, मिलिट्री में कुछ करना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर लाना चाहिए, डिफेंस इक्विपमेंट बढ़ाने चाहिए, सीडीएस बनाना चाहिए, सीडीएस की रिकमेंडेशन भी उन्होंने दी थी, तो ये भी अच्छी बात है। पीजे नायक कमेटी, पब्लिक सेक्टर बैंक रिफॉर्म, ठीक है। तो बैंकिंग रिफॉर्म की जब भी बात हुई तो पीजे नायक, बैंकिंग रिफॉर्म हुई पीजे नायक, बैंकिंग में प्राइवेटाइजेशन करो, इंटीग्रेशन करो, एफिशिएंसी बढ़ाओ, जो भी लिखना है लिख देना अपने मन से, नाम डालना पीजे नायक का। प्रदीप कुमार कमेटी, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, बैंकिंग की बात जब भी हुई पीजे नायक, तो दोनों नाम डाल सकते हैं। बैंक के रिफॉर्म की बात हुई तो पहले तो पीजे नायक भी डाल सकते हैं, प्रदीप कुमार भी डाल सकते हैं, जिसने कहा था एनपीए का रिफॉर्म करना चाहिए हमको। एनके सिंह कमेटी, ये तो पता है एफआरबीएम के लिए था, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट, तो गवर्नमेंट का बजट जो ढंग से मैनेज नहीं हो रहा, गवर्नमेंट ओवर स्पेंड कर रही है, नाम डाल देना एनके सिंह का। फिर उसके बाद रतन वातल कमेटी, ये डिजिटल पेमेंट सिस्टम इन इंडिया, भीम यूपीआई जो होता है, डिजिटल इंडिया जो है उससे रिलेटेड है, ठीक है। मिहिर शाह कमेटी, इसलिए मैनेजमेंट ऑफ वाटर, ठीक है, वाटर कंजर्वेशन के लिए मिहिर शाह कमेटी है, तो ये वाटर के लिए रख सकते हैं। फिर मधुकर गुप्ता कमेटी, बॉर्डर प्रोटेक्शन के लिए था। अब मैंने ये कार्ट इसलिए दिया कि बॉर्डर प्रोटेक्शन के लिए पहले मैं एक कमेटी लिख चुका था, नहीं, डीबी शेखातकर कमेटी और नरेश चंद्र कमेटी। तो अगर सेम कमेटी मैं दो बार याद करूँ, मतलब दो दो कमेटी याद करूँगा सेम चीज़ के लिए, मुझे लिखना तो एक ही दो या दो कमेटी होगी, तो मैंने ये काट दिया था, तो मैं याद करना कर सकते हो। कस्तूर रंगन टास्क फोर्स, ये किस लिए, वेस्ट टू एनर्जी के लिए, ठीक है, वेस्ट टू एनर्जी के लिए। और दूसरी एक कस्तूर रंगन कमेटी बनी हुई थी, वो किस लिए था, वेस्टर्न घाट से प्रोटेक्शन के लिए, बोला वेस्टर्न घाट का प्रोटेक्शन, वेस्टर्न घाट मेनली वेस्टर्न घाट नहीं, अब तो मैं एनवायरमेंट से रिलेटेड, फिर उसके बाद पहाड़ का कंजर्वेशन कर रहे हो, ठीक है, जहाँ भी कर रहे हो ना, तो ये लिख देना, सिर्फ वेस्टर्न घाट से रिलेटेड नहीं है ये कमेटी, ईस्टर्न घाट्स में भी लिख सकते हैं इसको, अरावली के लिए भी लिख सकते हैं, माउंटेनियस रीजन के लिए लिख सकते हैं कि भाई सैंड माइनिंग नहीं करनी चाहिए वहाँ, थर्मल पावर प्लांट्स को नहीं लगाना चाहिए, कंप्लीट बैन ऑन हाईली पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज़, ये सब कस्तूर रंगन कमेटी में लिख सकते हैं। फिर बीपी जीवन रेड्डी कमेटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है, इसीलिए ये है आफ्सपा के लिए, आर्म फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट, इसके लिए बीपी जीवन रेड्डी कमेटी। इसमें क्या कहा था कि भाई आफ्सपा में अमेंडमेंट चाहिए हमको, क्लियर लॉ चाहिए, स्पेसिफिक लॉ चाहिए, ग्रीवेंस रेडरेशन सेल चाहिए,
ओके, फिर एम एस स्वामीनाथन, ये तो सबको पता है, फादर ऑफ एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन है, तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी तुम पॉलिसी दोगे, रिफॉर्म दोगे, वो कहीं ना कहीं इन्होंने बोला ही होगा, ये लिख सकते हैं, मतलब ये जनरलाइज कमेटी है। दीपक मोहंती कमेटी 5 साल प्लान के लिए था, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए था, थोड़ी सी पुरानी हो गई है। फिर उसके बाद नचिकेत मोर कमेटी फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, और फिर कोई शोमे कमेटी थी टैक्स रिफॉर्म के लिए, शांता कुमार कमेटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है, पीडीएस रिफॉर्म के लिए था, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में रिफॉर्म के लिए, ठीक है, और ओनली 6% गेट एमएसपी। तो ये कह रहे थे कि भाई जो एमएसपी का प्राइस है ना, सिर्फ 6% फार्मर्स को मिलता है, और 45% जो पीडीएस सिस्टम है एमएसपी में जो ग्रेन्स मिलते हैं वो लीक हो जाते हैं, कहीं और ही चले जाते हैं, जिसको मिलना चाहिए उसको नहीं मिलते। तो यही कह रहे थे, इसके लिए उन्होंने रिफॉर्म दिया था, 4 स्टेप दी थी, प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट और डिस्ट्रीब्यूशन, ये चारों चीज़ में उन्होंने कहा था कि रिफॉर्म होना चाहिए पीडीएस सिस्टम में। तो जब भी तुम्हारे एमएसपी की बात आई, फार्मर प्रोक्योरमेंट की बात आई और डिस्ट्रीब्यूशन की बात आई, तो शांता कुमार कमेटी एवर रेडी है, ठीक है। प्रोक्योरमेंट में कहा था कि भाई आउटसोर्स करो, गवर्नमेंट को प्रोक्योरमेंट करने दो, आउटसोर्स करो, फालतू में इतना एफर्ट और एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं है। वेयरहाउस रिसिप्ट सिस्टम बनाओ, जिसमें होता है कि फार्मर जाएगा, अगर उसको अभी नहीं बेचना है तो वेयरहाउस में जाएगा, अपना ग्रेन रखेगा, वहाँ पे स्लिप ले लेगा, और वेयरहाउस में रखने की फैसिलिटी उसको इसलिए चाहिए क्योंकि उसके घर में अगर वो रखेगा तो खाना वेस्ट हो जाएगा, सड़ जाएगा कुछ टाइम में। तो वेयरहाउस जहाँ पे कूलिंग फैसिलिटी हो वो फैसिलिटी दो। फिर उसके बाद स्टोरेज का प्राइवेट को आउटसोर्स कर दो, ट्रांसपोर्टेशन जो है वाटर वेज से करो ताकि जल्दी हो जाए, सस्ता हो जाए, डिस्ट्रीब्यूशन कंप्यूटराइजेशन करो उसमें ताकि मतलब ऐसा लीकेज ना हो, ठीक है। और फिर उसके बाद नरसिम्हन कमेटी बैंकिंग रिफॉर्म के लिए, बैंकिंग रिफॉर्म के लिए और भी कमेटी पड़ी थी पर ये भी इंपॉर्टेंट है। मीना हेमचंद्र कमेटी, ये कहीं भी डाल सकते हैं, किस लिए, साइबर सिक्योरिटी के लिए, हेट स्पीच के लिए, इंटरनेट से जब भी कोई क्राइम आया, कहीं भी आया, ठीक है, मीना हेमचंद्र कमेटी वहाँ पर पहुँच जाएंगी मौका वारदात पर, ओके। फिर उसके बाद उदय कोटक कमेटी कॉरपोरेट गवर्नेंस के लिए था कि कॉरपोरेट्स में होता है ना, मतलब धांधलेबाजी होती है, फिर उसके बाद करप्शन हो जाता है, कंपनी के अंदर कुछ और ही चलता होता है, फिर 4 साल बाद पता चलता है कि यार कंपनी तो अंदर से खोखली थी, बाहर से इतनी अच्छी दिख रही थी। तो कॉरपोरेट गवर्नेंस के लिए कि भाई चेयरमैन जो होगा उसमें कुछ चेयरमैन जो होंगे प्राइवेट बाहर से होने चाहिए, कुछ वुमेन होने चाहिए, कुछ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए, विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन होना चाहिए, भाई कंपनी के अंदर बैठ के किसी ने बताया कि हमारी कंपनी में ये प्रॉब्लम चल रही है तो उसको प्रोटेक्शन भी दिया जाए, ओके। लॉन्ग टर्म बिजनेस स्ट्रैटेजी तुमको डिस्क्लोज करनी चाहिए, तो वही तुम्हारा गवर्नेंस है, मतलब तुम्हारा कोई बिजनेस है उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए उदय कोटक कमेटी थी। नागेश सिंह कमेटी मनरेगा, ठीक है, नागेश सिंह पैनल मनरेगा वेजेस के लिए, तो ये तो ठीक है। एस विजय कुमार कमेटी रेगुलराइजेशन ऑफ एनजीओ, ठीक है, विजय कुमार कमेटी एनजीओ, तो जब भी एनजीओ से कोई इशू आए उसके लिए विजय कुमार कमेटी डाल सकते हैं, ओके। फिर इजी रजिस्ट्रेशन, लाइट रेगुलेशन, ये सब करना चाहिए उन्होंने कहा था। काका कमेटी, ये एक्से साजा कमेटी नहीं है, काका कमेटी है। काका कमेटी इसलिए ट्राइबल के लिए, ठीक है, ट्राइबल रिफॉर्म के लिए काका कमेटी है। तो जब भी तुम्हें ट्राइबल से रिलेटेड कोई भी रिफॉर्म लिखना होगा ना, काका कमेटी बहुत बड़ी है, बहुत सारा रिकमेंडेशन दे के रखे उन्होंने, तो ट्राइबल जब भी आए उनका प्रोटेक्शन करना चाहिए। PVTG है, ठीक है, PVTG ट्राइबल पिछड़ी जाति के लोग, तो काका कमेटी के रिकमेंडेशन देते ना, सबके बारे में कुछ ना कुछ बोला हुआ उन्होंने, ठीक है, उनको अच्छा हाउस देना चाहिए, उनको एजुकेशन अच्छी देनी चाहिए, शेल्टर अच्छा देना चाहिए, राइट्स प्रोटेक्ट करनी चाहिए उनके, उनको जो रिहैबिलिटेट करते हो अच्छे से करना चाहिए, जो भी तुमको करना है काका कमेटी ने सब बोला हुआ है। फिर उसके बाद बिमल जलान कमेटी, ये किस लिए, ये तो RBI में जो रिफॉर्म करने के लिए था, ये तो आके गई, ठीक है। सुब्रमण्यम कमेटी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है उसके लिए था सुब्रमण्यम कमेटी, जिन्होंने कहा था कि भाई 6% GDP का एजुकेशन में खर्च करना चाहिए, तो अगर हमें ह्यूमन रिसोर्स या फिर एजुकेशन डेवलपमेंट इन सब के बारे में कुछ भी क्वेश्चन आया तो हम लिख देंगे, भाई सुब्रमण्यम कमेटी ने कहा था कि भाई 6% एजुकेशन पर खर्च होना चाहिए और आप क्यों नहीं कर रहे हो अभी तक, ठीक है। ऑल इंडिया एजुकेशन सर्विस बनाओ, एजुकेशन में रिफॉर्म चाहिए तो, ओके, बाइलिंगुअल सिस्टम करो, एक तो लोकल लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों को प्रमोट करो, आप ऐसा वन लैंग्वेज फॉर्मूला नहीं अपना सकते हिंदी हिंदी करके, जो टीचर है उसको अच्छा लाओ, अच्छा बनाओ, अच्छे टीचर्स को रिक्रूट करो, अलाउ टॉप यूनिवर्सिटी टू ओपन इन इंडिया। तो यही चीज़ है सारी, जो भी एजुकेशन से रिलेटेड अच्छी बात होगी सब इन्होंने कही होगी। अशोक दलवाई कमेटी, ठीक है, डबलिंग फार्मर्स इनकम के लिए, तो फार्मर्स से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता रहता है, जब भी फार्मर क्वेश्चन में आ जाए तो लिख देना अशोक दलवाई कमेटी का जो गोल है 2022 तक फार्मर्स की इनकम डबल करने का, उसके लिए हमको ये चीज़ करनी चाहिए। अब वो क्या करनी चाहिए, प्राइवेटाइजेशन, ठीक है, FPO प्रमोट करना चाहिए, फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट इन कोल्ड चेंज, प्राइवेटाइजेशन, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को राइज करना चाहिए, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन FPO, ठीक है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन मतलब बहुत सारे फार्मर आएंगे साथ में बेचेंगे सामान, तो उनका क्या कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर बढ़ती है, स्ट्रेंथ बढ़ती है, कोऑपरेटिव्स बनते हैं मतलब मेनली। उमेश सिन्हा कमेटी क्या था,
रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में चेंजेस करने के लिए उमेश सिन्हा कमेटी थी। बी एन श्री कृष्णा कमेटी डाटा प्रोटेक्शन के लिए। तो डाटा के लिए आपने दो कमेटी देख लिए, एक तो मीना हेमचंद्र कमेटी ऊपर थी, फिर उसके बाद बी एन श्री कृष्णा कमेटी। दोनों के रिकमेंडेशन डाल दोगे तो और एक्स्ट्रा वैल्यूडेशन हो जाएगा। देखिए तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, कहीं भी यूज़ कर सकते हैं इसको। ओके, फिर टी एस आर सुब्रमण्यम कमेटी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, एजुकेशन के लिए हमने पहले भी देख लिया था, तो वो ये। एस सी गार्ग कमेटी वर्चुअल करेंसी के लिए था, एस सी गार्ग कमेटी। अभी एस सी गार्ग कमेटी ने रिसेंटली ये बोला था ना क्रिप्टो करेंसी के लिए, क्रिप्टो करेंसी को मतलब प्राइवेट को बैन कर देना चाहिए, सिर्फ गवर्नमेंट को यूज़ करना चाहिए, तो ये भी एस सी गार्ग कमेटी का रिकमेंडेशन था। तो ये तो इम्प्लीमेंट हुआ नहीं वैसे, पर कमेटी का नाम याद रखना। विजय कुमार कमेटी अभी हमने ऊपर ही देखा था, एनजीओ के लिए था। यूके सेना कमेटी, यूके सेना कमेटी इसलिए था एमएसएमई के लिए। तो एमएसएमई में कोई भी रिफॉर्म तुम्हें बताना हो तो पहले लिखना अकॉर्डिंग टू यूके सेना कमेटी दिस रिफॉर्म्स हैव बीन सजेस्टेड, अपने मन के रिफॉर्म लिख देना वहाँ पे, कहीं ना कहीं सजेस्ट किया ही होगा। ये हैक है, ठीक है। या तो याद करना है तो हर एक कमेटी है 40-45 कमेटी होगी, उनके सबके 4-4 5-5 रिकमेंडेशन पढ़ लो कहीं जाके, फिर उसके बाद देख लेना कितने हो जाते हैं। पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ना पड़ेगा, उसमें से 4-5 रिकमेंडेशन इंपॉर्टेंट निकल के आएंगे, और जो इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन निकल के आएंगे ना वो वही सारे होंगे जो तुम्हें मेनली पता होगे, ठीक है। तो स्मार्ट खेलो या फिर हार्ड भी खेल सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, तुम्हारी मर्जी। बेमल जलान कमेटी, ये तो हो गया। टी हाक कमेटी, टी हाक कमेटी ने क्या कहा था ना, इन्होंने ट्राइबल रिफॉर्म के लिए था, ट्राइबल के लिए एक और कमेटी देखे काका कमेटी, टी हाक कमेटी भी ट्राइबल के लिए। इन्होंने कहा ट्राइबल रिफॉर्म करना चाहिए, एमएसपी देना चाहिए ट्राइबल प्रोडक्ट्स को, तो ये भी एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है। धेबार कमेटी, धेबार कमेटी भी पीवीटीजीज़ के लिए, ठीक है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के लिए, उनको एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट दो, तो ये सब कह रहा है। जे एस वर्मा कमेटी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म के लिए था, जे एस वर्मा पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को बेटर बनाने के लिए। एक और कमेटी देखे थे मलिमत कमेटी, फिर जे एस वर्मा कमेटी भी है। पी के मोहंती कमेटी क्या है, अलाउिंग लार्ज कॉर्पोरेट टू बी प्रमोटर ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स। ओके, तो ये चीज़ पहले चल रही थी कुछ साल पहले, अभी तो उतना न्यूज़ में नहीं है। नरसिम्हन कमेटी बैंक मर्जर के लिए था, ठीक है। फिर तो यहाँ तक कुछ नहीं, बी आर अम्बेडकर के बारे में लिखा है कुछ। पूंजी कमीशन आ गई, सरकारी कमीशन, पूंजी कमीशन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए, ठीक है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और पूंजी कमीशन, तो ठीक है, ये भी पुरानी कमेटी है। जे एस वर्मा कमेटी, ये हमने देख लिया, एथिकल एजुकेशन करप्शन रिड्यूस करने के लिए, तो करप्शन वगैरह से रिलेटेड जे एस वर्मा कमेटी है। मुदलियार कमेटी किस लिए, हेल्थ सेक्टर के लिए, तो हेल्थ के बारे में कुछ भी बोलना है, दुनिया की मतलब इंडिया की हेल्थ कैसे अच्छी कर सकते, इंप्रूव कर सकते, उसके लिए मुदलियार कमेटी। धीरेन्द्र सिंह कमेटी, धीरेन्द्र सिंह कमेटी मेक इन इंडिया के लिए, ठीक है, मेक इन इंडिया इकोनॉमी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ गया तो मेक इन इंडिया धीरेन्द्र सिंह कमेटी का नाम डाल देना उसमें। फिर हमको इंडिया में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाना चाहिए, इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहिए इंडिया में, कंपनीज को अट्रैक्ट करना चाहिए, लैंड देना चाहिए उनको, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, जो भी तुम्हें लगता हो मेक इन इंडिया के लिए जरूरी है, डिजिटाइजेशन करना चाहिए, ठीक है, ये सारे रिकमेंडेशन धीरेन्द्र सिंह कमेटी के नाम पर दे देना। नचिकेत कुमार कमेटी स्मॉल बिजनेसेस के लिए था, एमएसएमईज के लिए था। एन के सिंह कमेटी एफआरबीएम के लिए था, देख लिया हमने। रेणुका चौधरी कमेटी फायर फॉरेस्ट फायर के लिए, ठीक है, रेणुका चौधरी कमेटी फायर फॉरेस्ट फायर के लिए था। अब मैंने रेन फोर मंथ इसलिए लिखा है वहाँ पे, रेणुका चौधरी से मैंने रेन याद किया था और फॉरेस्ट में रेन गिर रही है, तो मुझे थोड़ा सा कमेटी का नाम याद हो गया था, ठीक है, रेणुका चौधरी कमेटी फॉरेस्ट फायर। तो फॉरेस्ट फायर हो रहा है हमारे नॉर्थ ईस्टर्न में भी, फॉरेस्ट फायर हो रहा है इंडिया, बहुत फॉरेस्ट फायर हो रहा है, कैसे हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं, कमेटी इन्वॉल्वमेंट चाहिए हमको, ठीक है। अगर तुम्हें कुछ कमेटी ऐसा लग, कुछ कुछ चीज़ ऐसा लग रही है कि तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता उसका रिकमेंडेशन क्या हो सकता है, जैसे फॉरेस्ट फायर के लिए अगर तुम्हें नहीं पता हो क्या रिकमेंडेशन हो गए, तो रेणुका चौधरी कमेटी डालना और वहाँ थोड़ा सर्च कर लेना, 3-4 रिकमेंडेशन आएंगे इंपॉर्टेंट वाले, वो याद कर लेना, ठीक है। और अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें पॉइंट्स पता है फॉरेस्ट फायर के रिकमेंडेशन में क्या लिख सकते हैं, जैसे क्या क्या हो सकता है यहाँ पे, कि कमेटी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन चाहिए फॉरेस्ट फायर को रिड्यूस करने के लिए, फिर उसके बाद ड्रोन सर्वेलेंस करना पड़ेगा कि भाई ऊपर ऊपर से देखो, ये नॉर्मल रिकमेंडेशन है, ड्रोन सर्विसेज होने चाहिए, फिर उसके बाद अलर्ट मैकेनिज्म होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कुछ भी अपने मन से लिख सकते हैं। ताराकुंडे कमेटी इलेक्ट्रल रिफॉर्म के लिए था। उमेश सिन्हा कमेटी सोशल मीडिया में इलेक्शन के लिए था। ओके, माधव गोडबोले टास्क फोर्स तो बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए। ओके, माओइस्ट इशू दिलीप भूरिया कमेटी, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, माओइस्ट इशू जब भी आ गए, जैसे हमारे होता है ना यहाँ पे, ये छत्तीसगढ़ झारखंड आंध्र प्रदेश इन सब में जो अपना रेड बेल्ट होता है वो वहाँ पे माओइस्ट इशू होता है, तो उन्होंने कहा, दिलीप भूरिया कमेटी ने कहा कि भाई अगर तुम वहाँ पे पंचायत बढ़ाओगे, म्यूनिसिपैलिटी लाओगे, लैंड राइट्स दोगे, एजुकेशन दोगे, हेल्थ दोगे, उनका दिल जीतने की कोशिश करोगे, तो फिर वो माओइस्ट की तरफ जाएगी नहीं, माओइस्ट को सपोर्ट ही नहीं करेंगे, और जब वो सपोर्ट नहीं करेंगे माओइस्ट को, माओइस्ट खत्म हो जाएगी अपने आप। तो ये दिलीप भूरिया कमेटी का रिकमेंडेशन था माओइस्ट केस में। जस्टिस रोहिणी कमेटी सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी, ओबीसी जो है उसमें भी कुछ सेक्शन ऑफ ओबीसी पूरा बेनिफिट ले जा रहा है, कुछ सेक्शन ऑफ ओबीसी अभी भी डिप्राइव्ड है, तो उन्होंने कहा कि सब कैटेगराइजेशन करो।
ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, ओके, तो इन्होंने क्या रिकमेंडेशन दिए था, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है डेमोक्रेटिक मतलब डेमोक्रेसी बेटर करने के लिए, इन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दी थी कि जो पॉलिटिकल पार्टी है उनको RTI के अंदर लेके आओ, स्क्रैप इलेक्टोरल बॉन्ड सिस्टम को स्क्रैप कर दो क्योंकि उससे लगता है उनको करप्शन बढ़ रहा है, ठीक है। डोनेशन अबव अ लिमिट शुड बी, क्या है, डोनेशन अबव अ लिमिट बी मेड, ओके, एक लिमिट से ऊपर डोनेशन जो है उसको बहुत ज़्यादा स्क्रूटिनी के बाद ही पास करना चाहिए। नेशनल इलेक्टोरल फंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम, ओके, एक ऐसा मतलब नेशनल इलेक्टोरल फंड ऐसा उनका मानना है जो भी पैसा आता है इस फंड में डालेंगे, फिर उसके बाद अलग अलग पार्टीज़ को दे देंगे। तो ADR ने ये रिकमेंडेशन दिया था डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ठीक है, एक जगह पैसा डालो सब पार्टी को दे देंगे। वरना अभी क्या होता है ना कि 95-96% पैसा जो है, जो फंडिंग आता है वो एक ही पार्टी को जाता है जो कि लार्जेस्ट पार्टी है अभी इंडिया में, तो ये हो रहा है, तो इससे बाकी छोटी पार्टीज़ को इशू होता है। माधव गोडबोले टास्क फोर्स अभी बताता बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए, CRPF जो है प्राइमरी फोर्स है, सिंगल पॉइंट कंट्रोल टेक्नोलॉजी, तो जब भी तुम्हें बॉर्डर मैनेजमेंट के बारे में लिखना हो इनका नाम लिख देना। मॉडल पुलिसिंग एक्ट, मॉडल पुलिसिंग एक्ट ने कहा था कि भाई जो पुलिसिंग के आर्स है वो 8 आर करो, पर आज जो है पुलिस 12 से 15 घंटे काम कर रही है, इतने सारा काम करेंगे पुलिस स्ट्रेस आता है, बर्डन आता है, तो बहुत टेंशन आती है, उनका दिमाग ख़राब हो जाता है। 15 फाइनेंस कमीशन, इन्हें बहुत सारे रिकमेंडेशन दिए थे। नॉन लैप्सेबल फंड बनाना चाहिए, इन्होंने इकोनॉमी को बेटर करने के लिए MFDIS का रिकमेंडेशन दिया था, नॉन लैप्सेबल मॉडर्नाइजेशन फंड फॉर डिफेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी, कि डिफेंस और इंटरनल सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए एक ऐसा फंड दो, ठीक है, ये फंड में पैसा जाएगा जिसका काम सिर्फ डिफेंस और इंटरनल सिक्योरिटी में जाएगा। तो ये सारे कुछ रिकमेंडेशन थे, ऐसे ही अपने अपने रिकमेंडेशन लिख लिया करो, और भी तुम्हारे पास कुछ हो गए तो, और इसको एग्ज़ाम से कुछ टाइम पहले याद कर लेना, बस नाम दिखना चाहिए इन कमेटी का, बाकी तो अपने मन से ही लिखना है सारी चीज़ें, ठीक है, ये थोड़ा सा हैक है छोटा सा, ओके, चलो थैंक यू, बाय।